हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज का हमारा क्लास जो है वो हम स्पेशली एक सीरीज शुरू करने वाले हैं केवीएस पीआरटी के लिए। तो आपका केवीएस का एग्ज़ाम जैसे कि आने वाला है, वैकेंसीज निकलने वाली हैं उसकी, तो अभी उसके लिए आपके जो सिलेबस में जनरल साइंस करके एक जो है सब पार्ट है, तो जनरल साइंस के हम सभी टॉपिक्स जो हैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका जो कंटेंट होगा वो बेसिकली एनसीईआरटी बुक से लिया गया होगा, मींस 95% जो वो है वो एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ और पब्लिकेशन की बुक्स में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा वो भी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये आपकी केवीएस की तैयारी के लिए। पीआरटी के लिए हम ये फोकस कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके उनको भी हेल्प करेंगे साइंस में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं आपका आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, केवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें फर्स्ट पार्ट है आपका लिविंग वर्ल्ड। तो जनरल साइंस का फर्स्ट टॉपिक लिविंग वर्ल्ड हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड की, तो हम जो है जिस प्लैनेट पे रहते हैं, अर्थ में हम रहते हैं, तो बेसिकली वी हैव द टू फैक्टर्स और कॉम्पोनेंट्स देयर, मेन टू फैक्टर्स और कॉम्पोनेंट्स देयर वी हैव, एंड द मेन कॉम्पोनेंट्स एंड मेन फैक्टर्स आर लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, सो द टू फैक्टर्स और टू कॉम्पोनेंट्स वी कैन से दैट द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगर हम इसको हम अपने प्राइमरी लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या है, तो लिविंग में जो हमारे मेनली जो फैक्टर्स हैं वो हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इन लिविंग थिंग्स। एंड नॉन लिविंग में अगर हम फैक्टर्स में बात करेंगे, तो हमारा सॉयल हो गया, क्लाइमेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, एट्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स आर इन नॉन लिविंग फैक्टर्स। अगर हमें ये बात करते हैं, तो ये जो लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और वी कैन से दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यहाँ पे अगर हम लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बात किया प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट, एंड द नॉन लिविंग एंड लिविंग दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट। तो इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि दोनों को जो है साथ के साथ डिस्कस करना, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है। अगर हम बात करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स की, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जो है एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं वो दे आर अडेप्टेड टू दैट पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, जैसे कि हम अगर इंडियंस हैं, तो वी आर अडेप्टेड इन टू लिव इन इंडिया, मीन्स वी नो द कल्चर ऑफ इंडिया, वी नो द फूड ऑफ इंडिया, वी नो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो वी आर अडेप्टेड टू बी एन इंडियन। लेकिन अगर हमें किसी दूसरी कंट्री में बाहर जाना है, तो हमें उसके कल्चर को, उसके क्लाइमेट को, हर चीज़ को जो है वो अपनाना होगा, वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अडेप्टेशन में टाइम लगेगा। सो जैसे हम अडेप्टेड हैं अपने इंडिया में, वैसे ही हर एक लिविंग थिंग, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे प्लांट्स हैं, दे आर अडेप्टेड टू दैट पर्टिकुलर रीजन। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें हम मेन मेन चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लेकर चलेंगे। अब हम फर्दर अगर बात करते हैं, जैसे कि लिविंग में मैंने आपको बताया प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन लिविंग में हमारा सन हो गया, वाटर हो गया, देन सॉइल हो गया, क्लाइमेट, रॉक्स एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं, टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी नॉन लिविंग में आ गई। तो अब हम एक नई टर्म यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो कई बार एग्जाम में आपका इस तरह से इसको पूछ लिया जाता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग तो बहुत बेसिक हो गया, तो दे डिस्कस और दे आस्क इट लाइक बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं, दे इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर इंक्लूडेड इन द बायोटिक कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, बायोटिक में। और जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर इंक्लूडेड इन द अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं, दे इंक्लूड ऑल द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो भी हमारे बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन द अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स फॉर देयर सर्वाइवल।
ये हम ये कह सकते हैं कि ऑल द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स आर अबायोटिक एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल आर बायोटिक कॉम्पोनेंट्स. ओके, तो ये तो एक चीज़ हो गई, एक टर्म हो गई. अगर हम इनकी डिपेंडेंस को अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो जो बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, जैसे कि प्लांट्स हैं. ठीक है, तो प्लांट्स जो है, एनिमल जो है उनका फूड जो है प्लांट्स होता है. एंड जो प्रे ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो प्रीडेटर्स जिनको हम बोलते हैं, प्रीडेटर्स कौन से होते हैं, जो प्रे ईटिंग होते हैं, मतलब मांस खाने वाले, मांसाहारी, तो वो जो है दे टोटली डिपेंडेंट ऑन द अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. एंड उसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एनिमल्स फॉर देयर फूड और प्लांट्स फॉर देयर फूड. जो रॉटन प्लांट्स होते हैं, रॉटन लीफ होते हैं, रॉटन फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, दे ऑल आर द फूड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो इस तरह से ये एक इंटरडिपेंडेंट है. अगर हम बात करते हैं बायोटिक की, अबायोटिक के साथ जो है रिलेशनशिप क्या है, कैसे डिपेंड है ये, तो प्लांट्स जो है दे डिपेंड अपॉन फॉर देयर फूड ऑन द सन. सन से जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उनको वाटर भी चाहिए होता है फूड प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है, दे नीड द सॉयल ऑल्सो, दे नीड द प्रॉपर टेम्परेचर. ठीक है, तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है. अब जो है बायोटिक कंपोनेंट्स में जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरी में से रखा गया है. जैसे कि आपने पढ़ा होगा हर्बीवोर्स होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, डीकम्पोजर्स, लाइक फूड चेन जो होता है, एक फूड चेन से जो है हम इनकी डिपेंडेंस को जो है ईजिली समझ सकते हैं. तो जो एनिमल जो है फूड अपने फूड के लिए टोटली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मीन्स जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं. ठीक है, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर है बिकॉज दे आर ईटिंग द प्लांट्स डायरेक्टली. तो जो हर्बीवोर्स होते हैं दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर. और उसके बाद ओमनीवोर्स होते हैं जो प्लांट्स भी ईट करते हैं, या उसके साथ साथ जो है दे ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. तो मीन्स प्लांट्स और फ्लैश दोनों के, दोनों जो है वो उनका फूड होता है, तो उनको हम ओमनीवोर्स कहते हैं. दे आर द सेकेंडरी कंज्यूमर. देन कार्निवोर्स होते हैं विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स ओनली, दे डोंट ईट द प्लांट्स. सो उनको हम टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं. ठीक है, तो कार्निवोर्स टर्शरी कंज्यूमर हो गए, ओमनीवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए एनिमल्स कैटेगरी में, और जो प्लांट्स ईट करते हैं दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर. अब प्रोड्यूसर्स कौन से हैं और कंज्यूमर्स कौन से हैं? तो प्रोड्यूसर्स में जो है प्लांट्स कैटेगरी आती है. ठीक है, प्लांट्स जो है दे आर द प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे आर सेल्फ फीडर्स. क्यों हम उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं? बिकॉज दे आर द सेल्फ फीडर्स, मीन्स वो अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हमें पता ही है. तो इन्हें हम सेल्फ फीडर्स भी कहते हैं. और इनको जो भी प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, सेल्फ फीडर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आपको पूछा जा सकता है. ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं, तो उसमें से आपको पूछा जा सकता है विच वन इज ऑटोट्रॉफ और विच वन इज टोटली द ऑपोजिट ऑफ इट. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो एनिमल्स जो है, जो प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट्स विच आर सेल्फ फीडर्स विच कुक देयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय देयर ओन, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. ओके, देन उसके बाद जो है हम बात करेंगे हीट्रोट्रॉप्स की. तो हीट्रोट्रॉप्स जो है वो कंज्यूमर होते हैं. प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉप्स कहा गया है, कंज्यूमर्स को जो है वो हीट्रोट्रॉप्स कहा गया है. तो कंज्यूमर्स कौन से हैं यहाँ पे? जो भी हर्बीवोर्स हैं, ओमनीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, मींस एनिमल्स. तो कंज्यूमर्स जो हैं, दिस इज़ द कैटेगरी विच डिपेंड्स अपॉन द एनिमल्स, एनिमल्स. तो एनिमल जो है वो कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज दे कांट प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स. तो एनिमल्स को जो है वो कहा गया है हीट्रोट्रॉप्स. ओके, हीट्रोट्रॉप्स. तो हीट्रोट्रॉप्स का अगर हम इसको टर्म को तोड़ते हैं तो हीट्रो मींस होता है नॉट सेल्फ, नॉन सेल्फ, और ट्रॉप्स मींस नरिशिंग. तो जो अपनी नरिशिंग जो है अपने आप नहीं कर सकते हैं हम उनको हीट्रोट्रॉप्स कहते हैं. और एनिमल जो कैटेगरी है दे कम्स इन कंज्यूमर्स और हीट्रोट्रॉप्स कैटेगरी. ओके, तो ये इंटरलिंक्ड है. कंज्यूमर्स हीट्रोट्रॉप्स, प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉप्स. तो ये आपको पता होना चाहिए. और हीट्रोट्रॉप्स जो हैं
बेस्ड ऑन द फूड दे ईट दे आर क्लासीफाइड लाइक हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. तो हर्बीवोर्स जैसे मैंने आपको बताया है प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं फूड चेन में एंड दे ईट ओनली प्लांट्स. कार्निवोर्स जो होते हैं दे आर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स इन द फूड चेन एंड दे ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. देन थर्ड कैटेगरी मैंने आपको ओमनीवोर्स बताया था. ओमनीवोर्स एनिमल्स दे ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स एंड दे आर द टर्शरी कंज्यूमर. उसके साथ साथ वन मोर इज देयर डीकम्पोजर्स. ओके, डीकम्पोजर्स तो ये भी आपको पता होना चाहिए. दिस कैटेगरी ऑफ एनिमल जो है दे टोटली डिपेंड अपॉन द डेड एंड डिकिंग प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर फूड. तो जो भी डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर होता है प्लांट्स एनिमल्स होते हैं उनसे वो अपना खाना लेते हैं. जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे तो एग्जांपल में आ जाएगा जैकल्स होते हैं, क्रोज होते हैं. ओके, सो दे आर नोन एज द स्केवेंजर्स. ओके, बिकॉज दे कंज्यूम द फ्लैश ऑफ द डेड बॉडीज ऑफ फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स. तो इसलिए हम उनको स्केवेंजर्स भी कहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगी है. तो ये भी जो है डेड मटेरियल को डिकम्पोज करता है. सो उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं. तो डिकम्पोजर्स जो है दे हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं डिकम्पोजर्स बिकॉज दे हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. तो ये हो गई बात. यहाँ पे आपको पता होना चाहिए स्केवेंजर्स, डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पे. एंड नेक्स्ट हमने अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात की है. तो अबायोटिक कंपोनेंट्स जो है दे जैसे कि हमने सन, वाटर एंड एयर एट्सेट्रा दे कम्स अंडर द अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड दीज फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो भी उस एरिया के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अफेक्ट करते हैं बिकॉज इट इंक्लूड्स द सॉयल, वाटर ऑफ दैट एरिया, एयर, क्लाइमेटिक फैक्टर मीन्स टेम्परेचर क्या है वहाँ का, रेनफॉल कैसा है, ह्यूमिडिटी कितना है, विंड स्पीड, ऑल दीज आर इन अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स. तो उस एरिया में जो है वाटर, बिकॉज द 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर. ओके, तो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे जिस रीजन में एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पे वाटर बॉडीज कितना है, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है. तो ये सारी चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं हमारे लिविंग बींग्स को. अब अबायोटिक में आपको जैसे कि मैंने क्लाइमेट और वेदर की बात की तो ये आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए वेदर एंड क्लाइमेट में कि वेदर जो है इट कैन चेंज डेली इन एनी एट एनी प्लेस बट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस डजंट चेंज डेली, मंथली और ईयरली बट इट चेंजेस इन सेवरल ईयर्स. ओके, इट टेक्स सेवरल ईयर्स टू चेंज. तो ये हो गया. अब रिलेशनशिप जो है बायोटिक और अबायोटिक का हमारा क्लियर हो गया है. अब हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे हम प्लांट्स दे कुक देयर फूड और दे प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के अगर हम यहाँ पे कुछ मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे तो इसके साथ साथ हम कुछ एक और जो बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी किसी को पता होती है और बहुत से लोगों को पता नहीं होती है, वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ. प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में जो, क्योंकि प्लांट्स जो हैं और एनिमल्स, एक को हमने कहा है प्रोड्यूसर्स और दूसरे को हमने कहा है कंज्यूमर, मींस वन इज़ ऑटोट्रॉफ एंड अदर इज़ हिटरोट्रॉफ. तो दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. प्लांट्स को हम क्यों ऑटोट्रॉफ कहते हैं, क्योंकि दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड, दे आर नोन एज हिटरोट्रॉफ्स. ओके, तो ये एक मेन डिफरेंस हो गया. दूसरा हो गया उनकी मूवमेंट्स को लेके. जो प्लांट्स हैं दे शो मूवमेंट, मूवमेंट होता है उनका क्योंकि ग्रोथ है, मूव दे मूव टू इन अपर डायरेक्शन इन थ्रू इन देयर ग्रोथ. और भी बहुत अलग अलग मूवमेंट्स होती हैं जो हम डिस्कस करेंगे बाद में, बट दे कैन नॉट शो द लोकोमोशन. तो मेन डिफरेंस जो है उनका जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स का उनकी लोकोमोशन को लेके है. तो ये आपको क्लियर होना चाहिए. जो प्लांट्स हैं दे कैन नॉट शो लोकोमोशन. लोकोमोशन क्या होता है, दे कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो मूवमेंट का मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, मींस दे आर मूविंग अपवर्ड डाउनवर्ड, बट लोकोमोशन होता है मींस टू चेंज देयर पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो देयर इज नो लोकोमोशन इन प्लांट्स बट देयर इज लोकोमोशन इन एनिमल्स. ओके, एंड प्लांट्स जो है दे शो द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. ओके, बट दे डोंट हैव द सेंस ऑर्गन्स.
तो स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्स है उनका, बट दे डोंट हैव द सेंस ऑर्गन. जैसे कि हम छुई मुई का एक प्लांट की बात करते हैं जिसे हम मिमोसा प्लांट भी कहते हैं, तो उसमें जब हम उसको टच कर रहे हैं देन ए वो रिस्पॉन्ड कर रहा है बट उसके सेंस ऑर्गन्स नहीं है. एनिमल्स दे रिस्पॉन्स ऑन द स्टिमुलाई बट दे हैव द वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स. तो ये एक डिफरेंस हो गया. एंड प्लांट्स जो है दे ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ बट द एनिमल्स स्टॉप ग्रोइंग वंस दे रीच देयर एडल्ट फॉर्म. ठीक है, ये तो हो गए हमारे मेन डिफरेंसेस. उसके साथ साथ अगर हम तो ये डिफरेंसेस आप क्या है साथ के साथ अगर आपको पता नहीं है, जिनको कोई चीज़ें नई लग रही हैं या उनके इम्पॉर्टेंट लग रही हैं, दे कैन नोट डाउन इट विद बाय. आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और उन चीज़ों को नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए. तो आप अभी से अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए क्योंकि पूरा मेरा जो है वो एनसीईआरटी को डिस्कस कर रही हूँ मैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. तो आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, नोट डाउन कीजिए जो भी आपको नई चीज़ें लग रही हैं और फिर बाद में उनको रिवाइज़ कीजिए. ठीक है, अगर हम डिफरेंसेस के बाद इनकी सिमिलरिटीज़ की बात करेंगे तो उनकी सिमिलरिटीज़ जो है उनकी ग्रोथ में है. ठीक है, एक तो ग्रोथ फैक्टर हो गया, देन उनका रिप्रोडक्शन फैक्टर हो गया, उसमें वो सिमिलर है. रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है दोनों में होता है रेस्पिरेशन, ठीक है, ब्रीदिंग प्रोसेस, एंड जो एक्सक्रीशन होता है एक्सक्रीशन, ठीक है, वो भी दोनों में है, प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है, रेस्पिरेशन दोनों में है, रिप्रोडक्शन दोनों में है और ग्रोथ भी दोनों में है. तो दीज आर द सिमिलैरिटीज़. और इसी तरह से अगर हम लिविंग और नॉन लिविंग के डिफरेंसेस अगर देख रहे हैं तो लिविंग्स आर मेडअप ऑफ सेल्स एंड नॉन लिविंग्स आर नॉट मेडअप ऑफ सेल्स. ओके, तो ये एक डिफरेंस हो गया जो आपके लिए न्यू हो सकता है. बाकी तो आपको पता ही है डिफरेंसेस उनकी ग्रोथ को लेके है, मूवमेंट्स को लेके है, ठीक है, उनकी और जो बहुत सिंपल हैं, फूड उनको लिविंग को चाहिए होता है, नॉन लिविंग को नहीं चाहिए होता है. ग्रोथ उनका लिविंग में इरिवर्सिबल है जबकि नॉन लिविंग में वो रिवर्सिबल है. रेस्पिरेशन जो है अकर करता है लिविंग में बल्कि नॉन लिविंग में नहीं होता है. रिप्रोडक्शन लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है. तो मेन जो है वो है उनका सेल्स को लेके, दे आर मेडअप ऑफ, लिविंग आर मेडअप ऑफ सेल्स एंड नॉन लिविंग आर नॉट मेडअप ऑफ सेल्स. अब नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं अगर फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस जिससे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, सो द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स मेक्स देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो ये आपको पता ही होगा. और आज के वीडियो में हम यही चीज़ें लेते हैं क्योंकि आज हमने इसको स्टार्टअप दिया है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा नहीं करेंगे हम. नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और इसकी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं डिस्कस करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी. सो आज के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना ताकि मुझे वो मोटिवेट करे मेरे आपको नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट करने के लिए. क्योंकि अगर आपके कमेंट्स नहीं आएंगे, लाइक्स नहीं आएंगे, तो मैं आपके आपको हेल्प करने में कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, मोटिवेट नहीं हो पाऊँगी. सो अपना फीडबैक ज़रूर देना है मुझे. थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक.